नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार, आप देख रहे हैं पीएम अपन न्यूज। इस समय एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक में है, जहाँ पे सब जूनियर नेशनल हो रहा है, ग्रैपलिंग चैंपियनशिप का सिप हो रही है। और यहाँ पे जो हरियाणा की टीम में जो बच्चे हैं, एक टीम हरियाणा के मेडल जीत करके यहाँ पे खड़े हैं, इनके मेडल भी पूछेंगे कौन कौन सा मेडल है। नाम बताइए अपना। नाम मेरा पुष्पा है। मेडल कौन सा है? गोल्ड। दिखाओ ना। ग्रीमा गोल्ड मेडल। दीक्षा सिल्वर मेडल। मानसु। निखिल। कुणाल। आशीष। और एक एकेडमी के हरियाणा की एक काली राउंड में जो एकेडमी चलती है उसके कोच भी हमारे साथ में महावीर शिवाज जी जुड़े हुए हैं। महावीर शिवाज जी, क्या कहना चाहेंगे आज जो मेडल आपके बच्चे जीते हैं? यहाँ पे बड़ी खुशी का पर्व है और पहली बार बच्चे ग्रैपलिंग में आए और पहली बार ये मेडल मतलब जीते हैं, तो मुझे प्रसन्नता हो रही है। गाँव में भी बच्चों के लिए जश्न की तैयारी है और शायद इनामी राशि बच्चों के बहुत ज़्यादा मिले। एक बच्चा कम से कम 1,00,000 रुपए कम से कम तैयारी पे है और ग्रैपलिंग की ऐसी सपोर्ट मिलती रही तो आने वाले टाइम में कम से कम 70 बच्चे एकेडमी में से निकलने की पूरा प्रयास कराऊंगा, कम से कम 70 बच्चे। महावीर शिवाज जी जुड़े हुए हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को, लड़के और लड़कियों को, ग्रामीण तबके के अंदर जो पहलवान तैयार कर रहे हैं। कितने सालों से आप लगे हुए हैं? 5 साल से मेरा प्रयास है, वैसे तो बहुत पुराना है लेकिन 5 साल से मैं अपनी एक एकेडमी और नर्सरी चला रहा हूँ। 5 साल से ज़बरदस्त है। बच्चों में भी काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है क्योंकि पहली बार नेशनल तक ये बच्चे पहुँचे हैं, ग्रामीण तबके से, जहाँ दूध दही का खाना, ऐसा हमारा हरियाणा। खेल लेगा हरियाणा, जीतेगा हरियाणा, खेल लेगा हरियाणा, जीतेगा हरियाणा। तो ये बच्चे भी जानना चाहेंगे कैसा लग रहा है आपको यहाँ आने के बाद? हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये बच्चे नन्हे नन्हे पहलवान जो कि ग्रामीण तबके से निकल करके नेशनल तक पहुंचे हैं, हरियाणा की टीम के ये प्लेयर हैं और बहुत सारे प्लेयरों से भी आपको रूबरू कराएंगे। इन्हीं तस्वीरों के साथ बने रहिए पीएम एफ न्यूज़ से, मैं रण सिंह पवार।